नमस्कार साथियों, साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सिंह राशि के जातकों, ध्यान रहे जून का महीना आपको बहुत कुछ देने आया है और साथ ही साथ बहुत कुछ लेने भी आया है। सावधानी होकर और सावधानी रखते हुए जून के महीने में अगर आप अपने कार्यों को अंजाम देंगे तो निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं। जब भी कुंडली में 11वें भाव में ग्रह बैठ जाएं, वो शुभ हो या अशुभ, बहुत अच्छा फल देते हैं। और जून के माह में आपके लिए 11वें भाव में बुध अतिथि योग सिंह राशि के जातकों बना है, यह आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत लाभ देने वाला है। वहीं गुरु दशम भाव में बैठकर आपके सुख भाव को देख रहे हैं, संतान भाव को देख रहे हैं, संतान में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी, सुखों का अभाव था वो समाप्त होगा, धन धान से परिपूर्ण रहेंगे आप, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पे है। धन व्यापार से हो या नौकरी से हो, अच्छी पोजीशन तक आपको ये पहुंचाएगा। वहीं ग्रहों के परिवर्तन की बात करें जो जून माह में होने जा रहे हैं, वो क्या आपको लाभ देंगे? तो ध्यान रहे सिंह राशि के जातकों, 1 जून को मंगल जो है मेष राशि में जब प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में मंगल भाग्य स्थान पर बैठे होंगे। सुख भाव के स्वामी मंगल और भाग्य भाव के स्वामी मंगल, यानी कि सुखेश भाग्येश खुद भाग्य स्थान पर बैठे हैं। बहुत जबरदस्त योग बना है सिंह राशि के जातकों, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर करेगी, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य है और शनि तीसरी दृष्टि से और सूर्य और शत्रु सूर्य और शनि पिता पुत्र जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे को हानि पहुंचाने में देर नहीं लगाते। वहीं उपाय में केवल अपने पिता से संबंध अच्छे रखें, जून का महीना आपके लिए बहुत सुंदर और बहुत अच्छा जाएगा। वहीं 12 जून को शुक्र जो है आपके 11वें भाव में, 14 जून को बुध आपके 11वें भाव में, रवि आपके 11वें भाव में बुध अतिथि योग बनाकर बैठेंगे। अब लग्नेश 11वें भाव में, यानी लग्नेश धनेश 11वें भाव में, लाभेश 11वें भाव में बुध अतिथि योग के साथ आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होने का समय सिंह राशि के जात को आ गया है। जॉब के प्रबल योग हैं, नौकरी के प्रबल योग हैं, विवाह के प्रबल योग हैं, संतान के प्रबल योग हैं, यहां तक कि विदेश यात्रा के भी आपके प्रबल योग हैं। सिंह राशि के जातकों एक बात को ध्यान रखें, केवल पेट की बीमारी जो है आपकी, वो खान पान की वजह से बिगड़ती है। सेहत में पेट में की बीमारियों से ग्रसित जून माह में जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपको जो सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है वो ये है कि जो बीमारी पे खर्चा अभी तक आपका होता चला आया है उससे राहत मिलेगी और आपकी सेहत में सुधार भी होगा। वहीं अगर बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, जो बहुत समय से आपस में गड़बड़ होता चला आ रहा है, क्योंकि आपकी सोच राजाओं जैसी है, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन अब राजाओं का जमाना नहीं रहा, इसलिए अपने निर्णय अपने घर के परिवार के दोस्तों के ऊपर जबरदस्ती थोपना या लागू करना, यहां से बुराई शुरू होती है आपके लिए। इसलिए आप केवल सावधानी इतनी ही बनाकर चलें, बीती ताहा विसार दें और आगे की सुध लें
और जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आप किसी को सीख देने के लिए जाते हैं तो उसको यह लगता है कि आप उससे पर नाराज हो रहे हैं, उसको बुरा लगता है, और जिसको बुरा लग जाए कोई बात का तो उसको समझाना नहीं चाहिए। साहब वैवाहिक जीवन की बात करें तो बहुत कुंठा और बहुत समस्याएं इस समय चल रही हैं। छोटा सा उपाय कर लें, लाभ होगा। सूर्य को जल रविवार के दिन जरूर दें, और अगर रोज दे सकें तो और अच्छी बात है, क्योंकि सूर्य को जब सिंह राशि के जातक जल देते हैं तो चूंकि सूर्य उनका स्वामी भी है, इससे उनका स्वामी प्रसन्न होता है, इष्ट देव प्रसन्न होता है, और जीवन में इन्हें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ देता है। वहीं आपकी कुंडली में ध्यान रहे, बुध बहुत कुछ देने के लिए आए हैं, कैसे प्राप्त करना है वो ध्यान से सुन लें। आपको क्या करना है कि बुध के जो छोटे से उपाय हैं उनमें से एक प्रबल साली उपाय है, अगर आपकी बहन है या बुआ है या मौसी है तो निश्चित मानकर चलें। अगर पहले तो बहन है तो बहन के लिए करें, नहीं तो अपनी बुआ के लिए करें, और नहीं तो अपनी फिर मौसी के लिए करें। एक साड़ी जरूर हरे रंग की गिफ्ट में दें, या हरे रंग का कपड़ा कोई जरूर उनको गिफ्ट में दें। अगर आपको जून के महीने में बहुत कुछ लाभ उठाना है तो दूसरी बात ध्यान रहे कि चूंकि यहाँ पर आपका चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी है और करीब करीब 4 और 5 तारीख को थोड़ा सा सावधान भी रहें, भले ही गज केसरी योग बनेगा उस समय लाभ की स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी, लेकिन आपको अपने ही धन की सुरक्षा करनी पड़ेगी। किसी को दे देंगे तो वापस नहीं आएगा, लापरवाही से रखेंगे तो कीमती वस्तु आपकी खो सकती है, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। लापरवाही से किए गए कार्य या लापरवाही से की गई चीज़ें आपके लिए जून के माह में धोखादायक साबित हो सकती हैं। वहीं एक बात है, धन का संचय जरूर अच्छा होगा, लेकिन धन के संचय के साथ अभी आप धन को संचित तो कर लेते हैं, लेकिन अगर उसको खुले खजाने को रखेंगे, 4 लोगों की नज़रों के सामने आएगा तो फिर या तो कोई उधार मांग लेगा और नहीं तो फिर दृष्टि लगेगी। तो इन बातों को ध्यान रखें, दिखावा धन का मत करें। आप राजा हैं इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जब जब आप नोटों को लोगों के सामने गिनते हैं, जब जब आप अपने चीज़ों को कोई चीज़ लाए और आप मचलने लगते हैं कि 4 लोगों को दिखा लें, ऐसा करना बंद कर दें तो जीवन में बहुत कामयाब होंगे। और ध्यान रहे, एक मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें, सूर्य को जल दें, जीवन में कभी कोई कामयाबी प्राप्त करने के लिए हाथ नहीं पकड़ पाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।